Hey, what's up, people? It's me, Abhishek, and you're watching AskRG. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको अपना हमारा बेसिकली कॉलेज कैंपस दिखाने वाले हैं. सो ये वीडियो फिर से रूस एजुकेशन के साथ कोलैबोरेशन है और इसको होस्ट फिर से डॉक्टर अशोक पटेल करेंगे. तो आप उनको नहीं जानते हो तो मैं इस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ. मैं उनका अच्छे से इंट्रो मैंने किया है. तो जी हाँ, ये वीडियो भी देखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेलो, तो अभी हम ओरेनबर्ग सिटी से लाइव है, सिटी टूर कराएंगे आपको. इससे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड हॉस्टल से. ये आप जो देख पा रहे हो वो है थर्ड हॉस्टल. थर्ड हॉस्टल में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं. और हमारी दूसरी अरमादा हॉस्टल है, उसमें रूस एजुकेशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और यहाँ पे रूस एजुकेशन के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं. उसके बिल्कुल पास में आप देखोगे तो ये है सेकंड कॉर्पस. सेकंड कॉर्पस में एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायो और टोपो एनाट का डिपार्टमेंट. सो सिटी टूर से पहले आपको हॉस्टल और कॉर्पस जो भी बीच में आएंगे हमारे डिपार्टमेंट्स, वो भी आपको हम दिखाते जाएंगे. अभी हम जा रहे हैं सोवियत्स्काया स्ट्रीट पे. ओरेनबर्ग के सेंटर पे सोवियत्स्काया स्ट्रीट है, वो देखेंगे हम. उसके बाद हम उराल रिवर पे ब्रिज, एशिया और यूरोप दोनों जो कंटिनेंट है उसकी बॉर्डर है, तो वो भी हम आज देखने वाले हैं. और सिटी में जो भी देखने लायक है वो सारा सब कुछ हम जितना भी एक घंटे के अंदर दिखा सके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. सो ये है सेकंड कॉर्पस, जैसे मैंने बताया चार डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में है. और अभी हम जा रहे हैं सोवियत्स्काया स्ट्रीट की ओर. सो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ ईयरफोन्स, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब थोड़ी ख़राब है. और हवा तेज़ चल रही थी तो जिसके वजह से थोड़ा ऊपर नीचे, तो इट्स बेटर टू यूज़ ईयरफोन्स ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा. तो ये इस्तेमाल करें. सो बिल्कुल हॉस्टल के बिल्कुल बगल में अभी हम जा रहे हैं उराल रिवर की ओर. और अभी रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल होते ही हम रोड क्रॉस करेंगे. उराल रिवर जाते वक्त बीच में हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट कॉर्पस. सो अभी हम जा रहे हैं उराल रिवर की ओर. जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तब फर्स्ट कॉर्पस एज अ हॉस्पिटल यूज किया गया था. यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे डीन ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस, सब कुछ इसी बिल्डिंग में. उसके बिल्कुल पास में है उराल रिवर. उराल रिवर अभी हम देखेंगे, उसमें दो कंटिनेंट की बॉर्डर, एक साइड एशिया, एक साइड रिवर के उस साइड एशिया, रिवर के इस साइड यूरोप. तो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है.
अभी हम आगे जाके स्टैचू देखेंगे। जो स्टैचू है वो चकालो का है। चकालो ओरेनबर्ग का फाउंडर है, ओरेनबर्ग सिटी का फाउंडर है चकालो। चकालो का स्टैचू अब आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम उतर रहे हैं, जा रहे ब्रिज की ओर, उराल रिवर। सब लोग समर का मज़ा ले रहे हैं, नहा रहे हैं, बट हमारे स्टूडेंट्स को हमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि पानी में हमें नहीं जाना है। सो रिवर फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, जिसकी वजह से ऑडियो अच्छे से बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए मैं अब सारी चीज़ें वॉइस ओवर में आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली जो आप ये सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते हैं। अभी जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये जगह यूरोप है और रिवर के सामने वाली साइड यानी दूसरी साइड वो एशिया है। तो बेसिकली ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये हाल ही में बनाई गई हैं, मतलब वापस से बनाई गई, क्योंकि पहले मार्बल था और बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन होती थी, इसलिए अब इसको तोड़ के वापस से बनाया गया है। तो यस, इस बार जो है, मतलब जो लोग अभी हाल ही में, मतलब 2 दिन पहले ही उसको ओपन किया गया था। बाकी ये रिवर फ्रंट है और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। लोग सुबह सुबह यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आते हैं। जी हाँ, कोरोना की सिचुएशन ओरेनबर्ग के अंदर थोड़ी कम हो गई है, इसलिए लोग आराम से घूम रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब मज़े कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी हम आपको उस स्पॉट में लेके जाएंगे जहाँ पर रियल एक्चुअल बॉर्डर है, बेसिकली रिवर जो है, जो उराल रिवर है वो बेसिकली बॉर्डर है। तो मैं आपको ब्रिज के ऊपर दिखाऊंगा कि कहाँ एशिया और यूरोप बीच में आता है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पैर यूरोप के अंदर रख सकते हैं, एक पैर एशिया के अंदर रख सकते हैं। सो या इट्स अ थिंग दैट पीपल डू इन हियर। या फाइन, तो बेसिकली नज़ारे ना बहुत ज़्यादा सुंदर थे, मतलब देखने लायक होता। आप पीछे बादल देखिए, ब्रिज देखिए, लोग देखिए। सो जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एशिया सामने और ये, हाँ या जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ थिंग दैट वी जनरली डू। तो ये सामने आप जो रिवर देख रहे हैं, यहाँ ये यूरोप लिखा हुआ है रशियन के अंदर, ठीक है। अभी आप जो रिवर देख रहे हैं सामने, ये उराल रिवर है, जिसका मैंने बहुत बार आपको जिक्र किया है। तो जी हाँ, नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कम ऑन, अच्छी जगह, बीच, लोग, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, नज़ारे। तो बहुत सही नज़ारे होते हैं, तो कुछ भी भीड़ नहीं है। आप वीकेंड्स पे आइए तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ होता है बीच, और फुल ऑन लाइक बीच, नाइस, देखने लायक होता है। तो अभी मैं, हम लोग आपको नीचे लेके जाएंगे रिवर फ्रंट के ऊपर, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाएंगे कैसे क्या है। बेसिकली ओरेनबर्ग ना थोड़ा घूमने लायक जगह भी है, समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। मतलब अगर आप आ रहे हो कभी भी रशिया घूमने के लिए फॉर व्हाटएवर रीज़न, या फिर पढ़ने के लिए, तो सीरियसली असली मज़ा आता है घूमने रशिया का, वो आता है आप समर्स के अंदर, क्योंकि समर्स के अंदर अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। अभी जो इस टाइम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ओके है, ओकेश है, बट हाँ अच्छा, और लोग तो बस मज़ा ही आ जाता है। सो जी हाँ, ये रिवर फ्रंट है जो हाल ही में बनाया गया है, कुछ 2 किलोमीटर बड़ा रिवर फ्रंट है, जिसपे लोग जॉग करते हैं, घूमते हैं, और यहाँ पे सीरियसली बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। आप रात के 1 बजे आइए, 2 बजे आइए, कितने बजे भी आइए, आपको इस जगह पर चहल पहल मिलेगी। मतलब आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, लोग होते ही हैं, और मैक्सिममली लड़कियां मिलेंगी आपको। मतलब है भाई, वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है रशिया के अंदर, सो वाई नॉट। तो जी हाँ, ये उराल रिवर और ये सामने नज़ारे, बादल, मतलब कोई कोई बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक हो जाती है जगह, तो वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, प्लस पॉइंट।
तो उस बना सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अगर आप उनको ऐसे वेव करोगे तो वो भी आपको वेव करें। जैसे ये मोहतरमा हमारी फ़ोटो क्लिक कर रही थी बिना पूछे, ये कोने वाली जो भी निकल गई। बाद में मैंने इनको कैमरा देख के हाय बोला तो उन्होंने भी हमें हाय बोला। फ्रेंडली लोग, आई लाइक रशियन पीपल। हाँ तो ये बीच है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ज़्यादा सही है, मतलब देखने लायक। और ये नज़ारे आई गेस, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कोरोना की सिचुएशन ओरनबर्ग के अंदर थोड़ी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग थोड़ी रियायत कर दी गई है, ठीक है, लोग घूम रहे हैं, थोड़ा अनलॉक कर दिया गया है, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे जिम्स बंद हैं, थिएटर्स बंद हैं, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हैं, बट हाँ मोस्टली पीपल, मोस्टली लोग बाहर जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो एज सच जो लॉकडाउन था वो बंद कर दिया गया है। सो ये जो है ये नया है बनाया गया है, ये भी रिसेंटली लास्ट ईयर बनाया गया था। मैं उसकी बात करूँगी, मैं थोड़ा कैमरा उधर होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। रिवर देखिए, लोग देखिए नहाते हुए, ज़्यादा डीप नहीं है रिवर, अच्छी रिवर है, ठीक है। बादल भैया, बादल ज़रूरी हैं, जी हाँ मैं इसकी बात कर रहा था। ये बेसिकली स्टेयर केस आप या जो भी कह सकते हो इसको, मुझे नहीं पता। तो ये भी रिसेंटली बनाया गया, और इसके रात में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, मतलब आप इसकी लाइटिंग और वो सब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा। कभी अगर मौका मिला ऐसे रात में घूमने का मेरे को, तो मैं आपको नाइट लाइफ दिखाऊंगा। नाइट लाइफ इज़ वर्थ इट, लाइक लिटरली देखने लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फॉर व्हाट्स एवर रीज़न प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अब तक नहीं किया तो, प्लीज़ यार कर दो यार, क्या कर रहे हो, बस कर दो यार। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन इट्स मी अभिषेक एंड यू वॉचिंग एज यूजुअल अल्फा बी साइनिंग ऑफ, सी या।